हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आप सबके माइंड में बहुत ही कंफ्यूजन चल रही है एक बात को लेके कि अपनी स्टडी जो है वो हम कंटिन्यू रखें, जबकि यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट का ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तो क्या तीनों ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है या सिर्फ थर्ड ईयर के स्टूडेंट ही पढ़ें या वो भी ना पढ़ें बिकॉज ओपन बुक एग्जामिनेशन है, और सेकेंड ईयर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट क्योंकि उनको सिर्फ असाइनमेंट देना है इसलिए वो अपनी स्टडी ना करेगा कंटिन्यू? ओके, ऐसी कंफ्यूजन है आपके माइंड में लेकर, तो मैं इन सारी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाली हूँ आपकी। वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगी तीनों ईयर को क्या करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर की। आपको पता है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर, ओके, आपको पता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करना है फॉर प्रमोटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट कि आपको जो असाइनमेंट बनाना होगा उसके लिए जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देगी आपको वो पूरे सिलेबस में से होगा। ओके, मतलब ऐसे टाइप से क्वेश्चन होंगे कि वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, और वो जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर अगर आप कैसे चेक होगा, वो इवैल्यूएशन कैसे करेगी यूनिवर्सिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। मींस आप असाइनमेंट में बुक किस लैंग्वेज तो नहीं लिखी है, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है या नहीं ये पता चल जाता है रीड करने के बाद टीचर को या जो भी इवैल्यूएटर होता है कि स्टूडेंट ने एक बुक किस लैंग्वेज लिखी है या खुद से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद लिखा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप असाइनमेंट बनाएँ अपने, ओके सॉरी, असाइनमेंट के लिए आप अपने नोट्स बनाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ओके, क्योंकि अगर ये भी है कि अगर आप स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे नहीं रखेंगे तो जब तक यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन देगी, ओके, तो हो सकता है कि आपके माइंड से कॉन्सेप्ट जो है वो स्किप हो जाए। ओके, आपको जो नॉलेज है कॉन्सेप्ट की वो थोड़ा स्किप हो सकती है। ओके, आप भूल सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टडी को अपनी कंटिन्यू रखें टिल द टाइम कि आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर देते। ओके, जिसे आपकी पता है आपको कि एसएल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट को सबमिट करना है असाइनमेंट, तो उनके लिए यही मेरा सजेशन है, यही मेरा ओपिनियन है कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें जब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कर देते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ओके, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो जो मेन पॉइंट्स हैं ओके उनको नोट डाउन कर पाएंगे और जो कि मेंशन होने चाहिए आपके असाइनमेंट में। और क्योंकि अगर आप नहीं स्टडी करेंगे कंटिन्यू तो ऑफकोर्स आप बुक के थ्रू बनाएंगे उसको, आप बुक की सेम लैंग्वेज आप लिख देंगे, मतलब जितना भी बुक में लिखा होगा वो सब कुछ कर देंगे कॉपी पेस्ट। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, यूनिवर्सिटी ने अगर ये स्टेप लिया है आपको प्रमोट करने के लिए तो ऑफकोर्स वो देखेगी ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में या नहीं। ओके, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसलिए उसके थ्रू कॉपी पेस्ट ना करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी स्टडी करें और पॉइंट अपने नोट्स बनाएं और उसके बाद ही आप असाइनमेंट को प्रिपेयर करके सबमिट करें। ओके, तो मेरा यही सजेशन है, टिल द टाइम आपका नहीं सबमिट हो जाता असाइनमेंट आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें फर्स्ट और सेकेंड ईयर। ओके, देन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर स्टूडेंट को जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन बुक ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, बिकॉज आपको करंट सिचुएशन के लेके ये पॉसिबल भी नहीं है कि ट्रेडिशनल मोड में एग्ज़ाम करवाए जाएं आपके कॉपी पेन के थ्रू। ओके, सो इसलिए ओपन बुक एग्जामिनेशन का मेथड रखा है यूनिवर्सिटी ने। तो अब क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है ये? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप अपनी बुक से देखकर आंसर कर सकते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको यह समझा देती हूँ कि जहाँ पर आप एग्ज़ामिनेशन रूम में, ओके, एग्ज़ामिनेशन रूम में अपने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके पास 10 ईयर्स हैं या फिर जो भी आपके पास बुक्स हैं, उन सब से आप देख कर आंसर कर सकते हैं। ओके, ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का मतलब यही है। ओके, ये अगर ऑनलाइन है तो यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन जैसे आपका होता है ट्रेडिशनल मोड में वहाँ आप यूज़ करते हैं तो वो चीटिंग होता है, फाइन। तो अगर आप ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन दे रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये रखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपको पता है नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, फाइन। आप मिस नकल तो कर सकते हैं, कॉपी तो कर सकते हैं बुक में से आंसर, लेकिन आपके पास सिर्फ यूनिवर्सिटी कितना टाइम देगी आपको आंसर लिखने के लिए? सिर्फ 2 आवर्स। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 2 आवर्स का होगा, है ना। तो इन 2 आवर्स में आपको कैसे आंसर कर पाएंगे इतने सारे क्वेश्चंस के? आपके पास अगर बुक भी होगी ना तो आप तो पेज ही टर्न करते रह जाएंगे और आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और नोट्स बनाएं। ओके, नोट्स बनाएं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के,
ओके, जो कि मतलब आंसर में होना ज़रूरी है। तो आप बुक्स को स्टडी करें, आपका जो भी सिलेबस है उसे कवर करें और अपने नोट्स बनाएं, तब तक ही आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा नोट्स आपने क्या बनाया है, तो आप उससे ईजिली कॉपी कर पाएंगे, बल्कि चीटिंग कर पाएंगे अगर आप करने की सोच रहे हैं तो। ओके, अगर आप सोचें कि नहीं मैं उसी दिन एक बुक लेकर बैठूंगा ओके और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो जो 2 आवर्स है ना, वो इतने जल्दी निकल जाएंगे ना कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, पेज ही टर्न करते रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ओके, अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन आपको चांस मिला है तो उसका पूरा बेनिफिट आप उठा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और नोट्स बनाएं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के, ओके, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो होने चाहिए उसके रिगार्डिंग। ओके, आई होप कि आप सबको यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपको मेरे जो गाइडेंस है, मेरे जो सजेशन है वो अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।